नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एपीआरटी के मंच से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे और आपका काम भी बढ़िया से चल रहा होगा। दोस्तों, किसी भी भाई की कोई भी शेयरिंग है, कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अपना हैंड रेज करें, हम आपको मौका देंगे, आप जरूर उसको शेयर करें। संजीव पुरी जी, अनम्यूट करके अपने आप को बात करें सभी बड़े भाइयों के नमस्कार। जी। मेरा एक प्रपोजल चल रहा था 10 करोड़ का, वो पास हो गया लास्ट वीक शनिवार को। बट उसमें कुछ दो चीजें नई सीखने को मिली, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो आप सब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्लाइंट ने मुझे बोला था कि उसके पास बीटेक करी हुई है। जब डॉक्यूमेंट सारा कुछ बात हो गई, टेलीकॉल हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, वहां पे क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे पास डिप्लोमा है। क्लाइंट अल्ट्रा HNI क्लाइंट है, ITR बहुत सपोर्ट कर रही थी। दो बात में फंसा हो गए वहां पे। जब उसने डिप्लोमा की बात की तो सब कुछ केस फंस गया पूरा पूरा। बिकॉज एज पर फाइनेंशियल गाइडलाइंस ICC थ्रू में वो ग्रेजुएट होना चाहिए था। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने एक्सेप्शनल केस पे एक्सेप्ट किया। दूसरी बात ये रही, क्लाइंट ने बोला कि मेरी जो है 2 करोड़ की पॉलिसी दूसरी चल रही है LIC में, जबकि वो 2 करोड़ नहीं था। उसका हमें एडवांटेज मिल गया, नहीं तो केस फंस जाता वो। जब उनसे मैंने पॉलिसी मांगा तो उन्होंने पॉलिसी नंबर दिया, तो ब्रांच से पॉलिसी नंबर से पॉलिसी डिटेल निकलवा ली, तो वो 1 करोड़ का सम इश्योर था। अगर वो 2 करोड़ होता तो उनकी एलिजिबिलिटी कम हो जाती। तो क्लाइंट क्या करते हैं कि जो कोई मेच्योरिटी वैल्यू दिख रही होती है या उनको DAB दिख रहा होता है, उसको मिला के सम इश्योर बोल देते हैं। तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है। अगर हम थोड़े कॉशियस रहें तो ये सब चीजें हम कवर कर सकते हैं। एंड एजुकेशन के मामले में मेरे को आपसे ये एक्सपीरियंस रहेगा कि क्लाइंट से हम डिग्री पहले ही मांग लें, इंस्टीट्यूट की बाद में जाके फंसने वाला काम। दैट्स आई हैव टू से। बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच बहुत दिनों के बाद प्रधान जी आए हैं, मैं चाहूंगा राजेश भाई आप भी कुछ शेयर करें। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। आपसे बात करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। कल राजेश चेतन इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हमने बीमा ब्रो के नाम से ब्रांड बनाया है, उसका कल दूसरा जन्मदिन था, यानी कि लाइसेंस मिले 2 साल कल पूरे हो गए। 2 साल में हमने लास्ट ईयर 25 करोड़ रुपए का प्रीमियम किया और अब तक इस वर्ष में 10 करोड़ रुपए का प्रीमियम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तो बताना चाहता हूँ, लास्ट वीक हमने ग्रुप मेडिक्लेम में 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम एक कंपनी से मिला। एक कंपनी से 22 लाख रुपए का ग्रुप मेडिक्लेम मिला और दो अलग अलग कंपनियों से 10-10 लाख रुपए के और ग्रुप मेडिक्लेम मिले। इस प्रकार से करीब करीब 1.5 रुपए का हमने लगभग 10 दिन में ये प्रीमियम ग्रुप मेडिक्लेम में किया है। जो कुछ सीखा है हमने FPRT में भी बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों से IOE में भी बहुत कुछ सीखा है, और वो दूसरे ट्रेनर जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखा है उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और खास तौर से मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा बिमटेक का। बिमटेक के भी कुछ साथी जुड़े हैं जरूर इस कक्षा में, जहां से ये राघव और केशव दोनों की शिक्षा और दीक्षा हुई, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे इस कंपनी की जो आप प्रगति देख रहे हैं उसमें बिमटेक का भी रोल है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी चाय के कप पे पधारिए, हमें अच्छा लगेगा। एक दो मित्रों के फोन आए थे कि मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं, तो सबका स्वागत है। आप कभी भी मुझे फोन करके मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है, आप कहते हो कि आपसे सीखा है, FPRT सीखा है। FPRT तो आप ही की बनाई हुई है सर, सब आप ही से सीखते हैं। अब सुब्रमण्यम जी, आप अनम्यूट करके बात करें सर। हेलो, आवाज आ रही हेलो है? सर, आ रही है सर, ओके। बिल्कुल आ हेलो, मेरा नाम टेकुर सुब्रमण्यम है, मैं बेंगलोर से हूँ। जी। हालांकि मेरा कोई शेयरिंग ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन मैं सुनील डेंग जी को
धन्यवाद देना चाहता हूँ या आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने, जैसे प्रधान जी कहते हैं ना, सूचना मिली तो सोचना बंद। तो मैंने सिर्फ इनको, एक मेरे दोस्त थे तो उनका जो लड़का था वो अमेरिका में था, लंदन में था, तो उसका कुछ इश्यू था जीवन सुरक्षा में। मैंने जैसे ही सुनील जी को बोला, इन्होंने आधे घंटे में मेरा काम रख दिया। तो मेरे को ये खुशी हुई कि भाई मैं क्या करूं, कभी कभी तो आंसू भी आ जाते हैं कि जब हमारा काम इतने जल्दी हो जाता है। मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, सुनील जी दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए आप सबके माध्यम से मैं उनको पूरा कृतज्ञ हूँ और अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। राजेश चेतन जी का, जिन्होंने ये पौधा लगाया। सर मैं बार बार कहता हूँ, ये वृक्ष बन गया सर। थैंक यू सर। अब अतुल भाई अनम्यूट करके बात करें सर। सब भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे पास दो तीन चीजें शेयर करने की है। पहली तो ये है कि आज हमारे साथ प्रधान राजेश चेतन सर हैं, तो उनके लिए एक सब लोग बहुत बेस्ट विशेष दीजिएगा कि उनको फिर भिवानी परिवार मैत्री संघ का प्रेसिडेंट निर्विरोध चुना गया है। अभी 2 दिन पहले ही फाइनल डिसीजन आया था, तो उसमें पूरी कार्यकारिणी को निर्विरोध आगे एक 3 साल के टर्म के लिए करा है। तो हम एपीआरटी परिवार पूरा राजेश सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और क्योंकि मैं भिवानी परिवार का भी सदस्य हूँ और मैंने उनके सारे प्रोग्राम्स देखता, मैं हमेशा जाता हूँ उस प्रोग्राम्स में, मैंने देखा कि उन प्रोग्राम्स की क्वालिटी क्या होती है, उसमें कितना बड़ा कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3 4 4 5 5 हजार लोगों को उसमें एक इवेंट में इकट्ठे करना। और एक भी चीज सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी चीज की वहां पे कमी नहीं होती। 5 हजार लोग खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो किसी एक चीज की कमी नहीं होती वहां पे। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना, एक एजेंडा बना करके कि भाई अभी हमें ये मतलब पूरा सिस्टम बना करके, वो पूरा प्रोग्राम होता है, पूरे दिन की पिकनिक होती है, तो मैं उसका पार्ट हूँ, हमेशा रहा हूँ, काफी हर साल मैं मोस्टली जाता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई भिवानी परिवार, और बहुत बड़ा क्योंकि मैं एक और परिवार से भी जुड़ा हुआ, हिसार परिवार से, जहाँ पे अभी भी काफी स्ट्रगल चल रहा है उस डेवलपमेंट को लेकर के। तो मैं एपीआरटी परिवार का की सेक्रेटरी होने के नाते एपीआरटी परिवार की तरफ से मैं राजेश चेतन सर को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि जैसे आपने ये भिवानी परिवार मैत्री संघ इतने सालों में यहाँ तक पहुंचाया है, और नई बुलंदियां छुए और नए समाज के बड़े बड़े काम करें और लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करें, मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश सर। दूसरी बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। हाँ जी जी बोलिए आज बोल बोलिए 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 आप बोलिए, फिर मैं अगली बात आप बात। बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी। दूसरी चीज ये है कि जो आप भी सुब्रमण्यम सर ने कहा कि मैंने सुनील भाई को फोन किया और ये उनका फोन हुआ और आधे घंटे में काम हो गया, ये हमारी एपीआरटी की ताकत है सर। ये हमारी एपीआरटी की ताकत है, जिसमें यदि हम कुछ एक मैसेज डालते हैं और उससे उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, लोग कैसे सामने से अपने, मैं आपको छोटा सा एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे हमारे एक मित्र हैं, कई बार हमारे पास उसमें एपीआरटी पे भी अवेलेबल हुए हैं, इंद्रपाल बिंद्रा जी, उनका मेरे को एक ग्रुप में मैसेज आया कि अतुल भाई मेरे को मैसेज आया कि 12N ब्रांच में कोई है क्या, और मैंने एपीआरटी ग्रुप में डाल दिया। 10 लोगों ने सामने से मुझे फोन करा, मैंने नहीं करा, सब लोगों ने मेरे को फोन करा, सर काम बताओ क्या है, सर काम बताओ क्या है। तो ये एक अचीवमेंट है कि ये इतना बड़ा परिवार जो बना है लोगों, और ये पता है ये वैसे वर्षा है, हमारे पास भी किसी का फोन आता है तो हम भी उसको उसी शिद्दत से रिस्पॉन्स देते हैं, तो तभी लोग हमारे काम कर पाते हैं। आज हमारे पास पैन इंडिया के अंदर पूरे हिंदुस्तान से कॉल्स आते हैं, और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में काम कराने की क्षमता रखते हैं। तो ये सब जो ताकत आई है, ये एपीआरटी परिवार की तरफ से आई है, आप लोगों के प्यार से आई है, और मैं सब लोगों को पुनः भी निवेदन करता हूँ कि जितने ये सत्संग होता है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, इस सत्संग में जितने ज्यादा लोगों को लेके आएंगे ना, उतना ज्यादा लोग आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी और लोगों का इस प्रोफेशन पे भरोसा और बढ़ेगा। क्योंकि जब काम अच्छा नहीं होता तो लोगों को प्रोफेशन से कहीं ना कहीं शिकायत होनी शुरू हो जाती है, लगता है कि हम गलत हैं। यदि आप सबेरे 1 घंटा यहाँ पे एक 1 आवर के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो ना, तो आप देखना कि पूरा हफ्ता आपका कैसा निकलता है, मेरे को तो बहुत एनर्जी मिलती है इससे। तीसरी चीज ये थी कि मैंने एक 5 लाख रुपए प्रीमियम की का एक प्रपोजल डाल रखा था, तो वो अभी इस वीक लास्ट वीक में वो प्रपोजल वार के ऊपर पास होकर के आया और उसमें नंबर लगा। तो ये मेरी तीन अचीव तीन बातें थी जो डिस्कस करने जैसी थी।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू अतुल भाई। अब आज के हमारे 30 सेकंड दीजिए भाई जी, अगर नहीं कृपा नहीं करेंगे 30 सेकंड। अरे आप ही अशोक कलरा जी को आप ही आमंत्रित करेंगे सर नहीं, उसमें मैं थी। आमंत्रित, आप ही आमंत्रित, आप ही करना। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, एक तो भिवानी परिवार मैत्री संघ का मुझे जो दायित्व है, वो ये मानिए कि FPRT ही भिवानी परिवार मैत्री संघ चला रही है, और ये अपने मित्रों को भिवानी परिवार में मैं जोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए FPRT के दोस्तों को जोड़ने के लिए मेंबरशिप को एक रास्ता निकाल के बहुत सारे FPRT के मित्रों को जोड़ा था। अभी भी जो FPRT के मित्र भिवानी परिवार से जुड़ना चाहते हैं किसी भी, मेरे मोबाइल पर मुझे फोन करना, हम बात कर सकते हैं इस विषय पर। और अतुल भाई का और पूरे FPRT परिवार का मेरे को इतना प्रेम प्रेम करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए हृदय से धन्यवाद। आगे बढ़िए सर। थैंक यू राजेश भाई। अब आज के हमारे स्पीकर अशोक कालरा जी हैं। अशोक कालरा जी को सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मैं चाहूंगा अतुल भाई उनको विधिवत आमंत्रित करें। अतुल भाई नमस्कार, दोबारा पुनः FPRT परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत सुबह की शुभकामनाएं। आज के जो स्पीकर हमारे अशोक कालरा जी है, वो हमारे FPRT के एक बोर्ड मेंबर हैं, और सब इस परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य शायद नहीं होगा जो अशोक कालरा जी को नहीं जानता होगा। बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 30 सालों से ऊपर का उनका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ रिलेशन है, तो और बहुत ही लिमिटेड सा काम करते हैं, वन मैन आर्मी है कहने को, ठीक है। लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती है, सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, जब इनसे कोई, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं, और वन मैन आर्मी होने के बावजूद भी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो कैसे मिलती है, या टेक्नोलॉजी को कैसे उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, ये मैं मतलब ये सीखने का, इस पूरे परिवार को उनसे सीखने जैसा है। और जैसा कि सुनील भाई ने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एक पॉलिसी के अंदर 2 साल की ड्यूटी करना, ये भारत, शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी किसी एक एडवाइजर के नाम लिखी गई होगी, वो डॉक्टर अशोक कालरा ही होंगे, जहां तक मुझे मेरी मेरी नॉलेज कहती है, क्योंकि इससे ज्यादा, इससे पहले मैंने किसी, अभी लोगों को मल्टीपल ड्यूटी करते हुए सुना है, लेकिन एक पॉलिसी में 2 साल की ड्यूटी करना शायद मैंने अभी तक नहीं सुना, तो ये सिर्फ मैंने अशोक कालरा सर से ही सुना था। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि शेयरिंग आज बहुत सारी अच्छी होगी, और मैं फिर सब लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आज लोगों ने अपने सामने से आकर के अपनी शेयरिंग करी, बहुत अच्छा लगा। आज आज की शेयरिंग से और मोटिवेशन मिला। मैं सब लोग, आज कुछ दो तीन हाथ डिजिटल हैंड रेज रह गए थे, हम उनसे माफी चाहेंगे कि हम क्या आज के जो स्पीकर हैं उनको सुनना चाहेंगे, और आगे जब जब मौका मिलेगा, आप नेक्स्ट वीक में या जब भी मौका मिलेगा, हम आपसे आपकी बात जरूर सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ जैसा हमारा FPRT की परंपरा है, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए इस चैट बॉक्स को पूरा भर देंगे, डिजिटली पूरा भर देंगे, वेलकम कर देंगे। जितने अच्छे सर, जितने अच्छे तरीके से हम आज के स्पीकर को वेलकम करेंगे, उतनी अच्छी डिलीवरी हमारे को मिलने वाली है। तो मैं अपनी FPRT परंपराओं के साथ, मैं आज डॉक्टर अशोक कालरा को आमंत्रित करता हूँ। नाउ स्टेज इज योर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। और मुझे लगता है कि अपने ही परिवार के अंदर अपना ही इंट्रोडक्शन देखते हुए बड़ा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि ये तो अब मेरा ही परिवार है और इस परिवार में मंच पर रहना या मंच से नीचे रहना दोनों मेरे लिए एक ही बात है, उसमें कतई कोई फर्क नहीं है। मैं ऊपर से भी सीख रहा हूँ और नीचे से भी सीख रहा हूँ, दोनों तरीके से जहाँ से मौका मिलता है मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी प्रयास रहता है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं विधिवत बांट दूं, अन्यथा मेरे साथ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा और किसी के काम नहीं आ पाएगा। तो जो मेरे से जितना ले सकता है, जितना इस्तेमाल कर सकता है वो ले ले, इस्तेमाल कर ले और अपने जीवन में जो ऊंचाइयाँ पाना चाहते हैं वो पा ले। हमें उसके अंदर इतनी खुशी होगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे एक माता पिता को खुशी होती है कि मेरा बच्चा जो है आगे बढ़ रहा है, तो हमें FPRT का जो परिवार है पूरा का पूरा, और FPRT की जो हमारी 10 लोगों की टीम है, ये 10 के 10 लोगों की टीम सिर्फ एक माता पिता के रूप में ही FPRT को नर्चर कर रही है, ताकि जिसको भी बच्चों के तरीके से हम बेनिफिट दे सकें हम दे सकते हैं, और वो देने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भले ही हमारे को
बाहर से स्पीकर बुलाने पड़ते हैं, तब भी हम बुलाते हैं। कई इंडस्ट्री के अंदर हमारे को नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हुई हैं उन चीज़ों के बारे में भी पता लगाने के लिए, बाकी हर चीज़ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया प्रयास हमारी तरफ से जारी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि ये हर शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने सभी साथियों को इसके अंदर ला करके उनका भी भला कर सकते हैं, जिसके अंदर ना तो आपकी तरफ से कोई कॉस्ट लग रही है ना ही उनकी कोई कॉस्ट लग रही है। तो और सबसे बड़ी बात, इसके बाद यही वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी आप आगे शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि FPRT क्या काम कर रही है, और उससे भी उन लोगों का बहुत भला होगा। तो आज का सेशन जो हमने रखा वो जोर का झटका धीरे से, तो कोशिश करते हैं एक झटका देने की। तो मैं आज आपसे एक घटना शेयर करना चाहता हूँ, एक घटना है जो, अच्छा एक बात बताओ, घटना अगर मेरे मुंह से सुनोगे वो अच्छा लगेगा या घटना जिसके साथ हुई है उससे सुनोगे तो अच्छा लगेगा? चैटबॉट में लिखें। राइट, तो ज्यादा वोटिंग जो आ रही है हमारे पास, जिनके साथ ये घटना घटी है उनके साथ सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, बढ़िया। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि एक बात जब दूसरे के बाद पहुंचती है तो बात का मतलब कुछ बदल जाता है, और जब तीसरे तक पहुंचती है तो बात का मतलब कुछ और बदल जाता है। तो हम उस मतलब को ना बदलें, उससे बेहतर है कि हम उसी सज्जन से ये घटना सुने कि ये घटना क्या हुई, और चांस की बात है कि वो सज्जन आज हमारी FPRT की मीटिंग में उपस्थित हैं। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा सुनील भाई का। सुनील भाई, आप एक शेयरिंग करें अपनी जो घटना आपके साथ हुई थी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसे हमारे माइंड में कई मिथ होती हैं कि आप सेफ काम करते हैं, सेफ गाड़ी चलाते हैं। मेरा भी यही था, मैं कभी भी गाड़ी 80 से ऊपर नहीं चलाता, और अगर लोकल हम गाड़ी चला रहे हैं तो 40-45, तो मैं कभी सीट बेल्ट लगाता ही नहीं था। इस दौरान कभी मेरी पुलिस वालों से बहस भी हो जाती थी, मैं तब भी गाड़ी में बेल्ट कभी लगाई नहीं, तो मैं सेफ चला रहा हूँ, मुझे सीट बेल्ट की जरूरत ही नहीं है, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता था। दोस्तों एक बात है, मैं शाम को सर्वे करके कहीं से आ रहा था, 5 बजे की शाम की बात है, ज्वाला एडी मार्केट सबने देखा होगा, और इतनी कंजस्टेड मार्केट है ये कि आपकी वहां गाड़ी 10-15-20 से ऊपर चलती नहीं है, और उसी स्पीड से हम लोग जा रहे थे, मेरे आगे 5-6 गाड़ियां थी, और अचानक से मेरा फोन बजा, और मैंने फोन उठाने के लिए जैसे लेफ्ट हुआ, एकदम पीछे से गाड़ी ने मारा, और गाड़ी पता नहीं कितनी स्पीड पे थी, 150 की स्पीड पे होगी, आगे तक 6 गाड़ियों तक इंपैक्ट गया, मेरी गाड़ी पूरी सैंडविच होगी। जैसे मैं मुड़ा था उस वजह से मेरा जो कंधा सामने वाले शीशे पे लगा, फ्रंट ग्लास पे, फ्रंट ग्लास टूट गया, सब हो गया। मुझे जब होश आया, मैं बेहोश हो गया था गाड़ी के अंदर, मुझे जब होश आया तो देखा कि आसपास भीड़ इकट्ठी थी, वो कहते हैं कि ये शायद बंदा मर गया है, आप गाड़ी का शीशा तोड़ो और इसको बाहर निकालो। अंदर से मेरे को जैसे आवाज सुन रही थी लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी, मेरा कंधा उतर गया था ये बिल्कुल, और हाथ उठ ही नहीं रहा था, मेरे को अंदर से लग रहा था बार बार, अरे यार शीशा क्यों तोड़ रहे हो, रुको तो सही, खोल रहा हूं, लेकिन आंखें बंद थी पूरी, लेकिन किसी तरीके से वो दूसरे हाथ से मैंने वो शीशा खोल के बाहर निकला, तो देखा 150-200 लोग वहां खड़े थे। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर से बेहोश था गाड़ी के अंदर, लेकिन वो गाड़ी पूरी बुरी तरह सैंडविच हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, हम दुनिया को बताते हैं कि सेफ्टी सेफ्टी, ये कब किसके साथ क्या हो सकता है। मैं तो 5 बजे शाम को घर ही आ रहा था, और इतने कंजस्टेड रोड से आ रहा था, और मे भी वो कुछ भी हो सकता था उसमें। उस समय गाड़ी में तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए लगे थे, 2.5 से 3 लाख रुपए लगना माना बहुत बड़ा लॉस होता है। और दोस्तों जिंदगी कब क्या है, हम हमेशा पोस्टपोनमेंट करते हैं, कल करेंगे कल करेंगे, घर से निकलो ऐसे निकलो कि आज आखिरी बारी निकल रहे, अभी दोबारा वापस आओगे ही नहीं, अगर ये सोच के चलोगे ना आपकी लाइफ से पोस्टपोनमेंट हट जाएगी। दोस्तों ये घटना
इस तरीके से हुई कि मैंने वो एकदम फोटो, मैंने ना जैसे मेरी 1-1.5 महीना फिजियोथेरेपी हुई थी, बड़ी बुरी तरह वाली फिजियोथेरेपी। दोस्तों कितने अच्छे लोग होते हैं दुनिया के अंदर, जैसे एक्सीडेंट हुआ ना, एक सरदार जी मेरे पास आए, बोले मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा यार मेरी गाड़ी साइड कर, अगर देख ये चल रही है तो मेरे को मेरे घर तक छोड़ दे। उसने कहा जी चल रही है। मैंने कहा तू मेरे को बिठा और मेरे को ले चल। सारे कह रहे आप क्यों जा रहे हो, मछली वाला ये है, सारे इस पे केस करेंगे, पुलिस बुलाएंगे। मैंने कहा मुझे किसी पे कोई केस नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है। मैं उसको गाड़ी लेके अपने घर आ गया, सीधा हॉस्पिटल गया। हर तरह के मेरे चारों तरफ से मेरे एक्सरे हुए, डॉक्टर ने बोला कोई आपका बोन क्रैक नहीं हुआ है, सिर्फ आपको गुम चोटें लगी हैं, 1-1.5 महीने में आप ठीक हो जाओगे, आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो सामने आ गए। दोस्तों हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करो और ऐसे जियो जैसे आखिरी वक्त, आपको जिंदगी में ज्यादा पोस्टपोनमेंट होगा नहीं आपके लिए। तो दोस्तों वो जैसे मैंने फोटो खिंचवाया था फिजियोथेरेपी के टाइम, कलरा साहब आपके पास वो फोटो है, बिल्कुल एक बारी फिलहाल राजेश तो फोटो राठौर नहीं जी है। को दे दो। हाँ राजेश राठौर जी को दे दो। अच्छा मैं राजेश राठौर हाँ जी को देता हूँ। राठौर साहब एक बार वो फोटो शेयर करो। जैसे मैंने फोटो अपना शेयर किया ना, अपने स्टेटस पे लगाया, 38 सेकंड में 100 से ऊपर लोगों के फोन आने स्टार्ट हो गए, ये क्या हो गया, व्हाट हैपन व्हाट हैपन। उनको थोड़ी पता था ये आज का किस्सा है या पहले का किस्सा है। मतलब मेरे को लग रहा था कि लोग ऐसे वॉच कर रहे हैं, लोग मतलब क्या निकालते हैं चीजों का। और कई लोग तो ऐसा गुस्सा होने के, ये क्या लगा दिया, ये क्या मैंने कहा जिंदगी जाएगी ना तो ऐसे ही जाएगी, वो बता के नहीं जाएगी कभी किसी को कि तुम मरने वाले हो या जाने वाले हो, आपके पेंडिंग काम कितने हैं, आपका क्या क्या होने वाला है। क्योंकि जिंदगी में हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है और बहुत लोगों की तो वो लिस्ट भी नहीं होती है। क्या राजेश भाई, राजेश राठौर जी, 1 मिनट भाई पहुंच रहा है। मैं तो हूँ ओके पूरे वीडियो तो आज फोटो तो आ जाए। हर चीज हम ऐसे सोचते हैं कि अभी अभी क्या जल्दी है, अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे कर लेंगे। और हम हमेशा समझा रहे होते हैं क्लाइंट को कि क्लाइंट के साथ ही कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी शर्म की बात तब होती है जब किसी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ कुछ होता है और उसका पॉलिसीज उसकी लैप्स होती हैं या उसके पास पॉलिसीज होती ही नहीं। उस डॉक्टर को दवाई खाने का, दवाई देने का कोई हक नहीं है जो अपनी दवाई खुद अपनी फैमिली के लिए नहीं देता, अपने बच्चों को नहीं देता, उसको क्या क्या किसी को दवाई देनी। दोस्तों एक छोटी सी मेरी शेयरिंग है, लोग कई बार कहते हैं कि मैं बीमा में विश्वास नहीं। बीमा कोई धर्म नहीं है जिसमें आपको विश्वास करना। बीमा एक इंश्योरेंस है जो आपके ना होने का रिस्क उठाता है, आपकी आमदनी का जो रिस्क 0 होने वाला है उसको उठाता है, आपके परिवार के खर्चों को उठाता है। अगर 100 आदमी बीमा लेते हैं ना, एक ही को कुछ होता है, 99 आर स्टिल पेइंग देयर प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 99 लोग अभी भी प्रीमियम दे रहे होते हैं, लेकिन जिस 1% को होता है ना, उसकी परिवार के लिए वो 100% लॉस। दोस्तों वो 1% कौन हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए कभी भी बीमा को नजरअंदाज ना करें, कभी भी इसको लाइटली ना लें। आपकी जो भी वैल्यू है उसको इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करके उतने ही वैल्यू का बीमा जरूर लें। राजेश भाई शेयर कर रहे हैं। जी ये दोस्तों फोटो जब लोगों ने देखा ना, नजदीक से देखो इस फोटो को, मतलब ऐसे लगा कि सुनील डैंग निकल गए हैं। मतलब उस दिन पता लगा कुछ लोग तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कईयों की शुगर डाउन हुई, किसी का बीपी डाउन हुआ, 3-4 लोगों ने तो लड़ाई कर ली। मैंने कहा इतना प्यार, लेकिन ये है किस लिए,
इसीलिए कि हम पोस्टमोनमेंट बहुत करते हैं, और हमेशा आप सेफ गाड़ी चलाते हो, आपके बाहर वाले सेफ नहीं चला रहे, कोई भी आपको डैमेज करके जा सकता है। दोस्तों मेरी शेयरिंग इतनी थी, थैंक यू अशोक भाई। अशोक भाई नाउ स्टेज इज योर्स, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपको बता दूं, ये फोटो आने के बाद मेरी वाइफ ने ये फोटो देख लिया और 2.5 घंटे तक मुझसे बात नहीं की, और वो बार बार ये देखने की कोशिश कर रही थी कि मेरा मूड क्यों खराब है। तो वो कहने लगी कि पता नहीं अब, और 2.5 घंटे बाद उन्होंने बात करने, कह रहे कि मुझे पता है कि आपको क्या पता है, इस तरीके से बात हुई है। तो सुनील भाई, ये जो है ना एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारी सबकी लाइफ के साथ, कभी भी कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बट जैसा कि बात हुई थी कि जोर का झटका धीरे से, तो मैं इसी चीज के साथ जोर का झटका देना चाहता हूँ आपको इस घटना से जोड़कर, कि ये घटना में हो सकता है कि यम उस दिन अनुपस्थित रहे हो, यम की जो प्रोस्पेक्टिंग थी वो लिस्ट उस दिन खत्म हो गई थी, वो नए प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे थे, शायद हो सकता है वो आप तक नहीं पहुंच पाए, तो बहुत अच्छी बात है, ये यम के लिए बड़ी अच्छी बात थी और हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात थी। और यही हमारे अभिकर्ताओं के साथ होता है, हम सभी भाइयों के साथ होता है कि हमारे पास जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होती है वो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट एक्चुअल में होती नहीं है, एवरी टाइम वी आर फाइंडिंग ए न्यू कस्टमर। मुझे समझ ही नहीं आता कि 5 साल काम करने के बाद, 10 साल काम करने के बाद, 15 साल काम करने के बाद, 20 साल काम करने के बाद हमारे को कस्टमर ढूंढने की जरूरत पड़ती क्यों है। और अगर कस्टमर ढूंढना भी है तो मेरे को समझ नहीं आता कि हम निकल पड़ते हैं हर एक से आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे को बता दो कैसे प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। अरे भाई, हमने 3 साल काम किया, 5 साल काम किया, हमने 10 पॉलिसी बेची, 20 बेची, 50 बेची, 100 बेची, अब तो हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी आ गई, उसके बाद अब ये चीज किससे सीखनी है। और अगर फिर भी विधिवत तरीके से सीखनी है तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। आप देखो, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स के पास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जिनको हम MR कहते हैं, राइट। ये जो MR होते हैं ये सुबह से लेके और शाम तक इनके एक ही ड्यूटी होती है, कंपनी के प्रोडक्ट को डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करना, राइट। मतलब एक ही काम है, कंपनी के प्रोडक्ट को डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करना। अब मुझे आज तक कोई MR नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि यार मेरे को डॉक्टर ही नहीं मिल रहा। मेरे को आज तक कोई MR नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि यार डॉक्टर मुझे घुसने नहीं देता। मुझे आज तक कोई MR नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि यार कंपनी का प्रोडक्ट बेकार है। मुझे आज तक कोई MR नहीं मिला जिसने कहा हो यार ये प्रोडक्ट समझाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। झटका ये दूसरा देने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारी प्रोस्पेक्टिंग में इतनी भयंकर कमी है। हम पता क्या है, जैसे घर से निकले और बाहर निकलते पूरी दुनिया 140 करोड़ हमारे को पूरी पॉपुलेशन जो है ना प्रोस्पेक्ट नजर आनी शुरू हो जाती है। और वो 140 करोड़ पॉपुलेशन में प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किससे बात करें, किससे ना करें। उसके बाद हमारा एनालिटिकल माइंड उस चीज के लिए तैयार हो जाता है, सोचने के लिए, समझने के लिए, यार नहीं इसके पास तो पैसे नहीं है, यार ये पैसे तो दे देगा। मान लो छोले भटूरे वाले ने आपको बोल दिया वो 2,000 रुपये पर डे देने को तैयार है, आप कर लोगे उसकी पॉलिसी? तब दिमाग में आएगा यार इसके लिए तो ITR चाहिए, 2 लाख रुपए से ऊपर कैश नहीं ले सकते, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलने लगेंगी। लेकिन वो 140 करोड़ जो आपको नजर आने लगे, वो 140 करोड़ की जगह पे अगर मैं अपने निश को क्लियर करूं कि मैं किसके साथ काम करना चाहता हूं, MR का क्लियर कट है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है और किसी के पास नहीं जाना, और कंपनी ने उसे स्पेसिफाइड एक एरिया दिया है, इस एरिया के डॉक्टर से बात करनी है आपने, तो मैं
दो तरीके से इसको बताता हूँ आपको। या तो हम स्पेसिफाइड एरिया कर लें, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इसको हम रेडियस भी बना सकते हैं, इसको डायमीटर भी बना सकते हैं, जहां तक भी हम जाना चाहें, या हम पूरी दिल्ली भी ले सकते हैं। तो आज के टाइम में गूगल पे किसी डॉक्टर का नाम सर्च करना, या डॉक्टर इन लाजपत नगर, या डॉक्टर इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, या डॉक्टर इन रमेश नगर, डॉक्टर इन तिलक नगर, डॉक्टर इन जनकपुरी, नहीं मिलेंगे आपको। कलर साहब, आपको बात बता रहा हूँ उन दिनों की, जब 95 में हम लोग काम ढूंढ रहे थे, तो उस दिन मैं किसी पंडित के चक्कर में पड़ा, तो उसने मेरा हाथ या राशि देखी और बोला कि तू आर वाली जगह काम मत करियो, आर वाली जगह रहियो मत, अच्छा ठीक है? हाँ, इन दो चीजों से बच के रहियो और अपने 5 किलोमीटर के अंदर काम करियो, उससे बाहर मत काम करियो। अब मैं रमेश नगर रह रहा हूँ, रमेश नगर ही मेरा ऑफिस है, और 5 किलोमीटर के अंदर के लोग मेरे से बात ही नहीं करना चाहते, फिर क्या करें? वाह, बहुत बढ़िया। बताता हूँ, ये सुनील भाई का ही क्वेश्चन नहीं है, ये मुझे लगता है कि बाकी लोगों का भी क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप लगातार आते रहते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। तो दोस्तों, ये हमारे अंदर का एक माइंडसेट है। मैं आपको एक घटना के जरिए इस चीज़ को बताता हूँ कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। जैसे एक चौराहे पर हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, और अचानक, आप पहले तो इस परिवार के लिए बताएं कि ये घटना कैसी है, कि वो मोटरसाइकिल पे हस्बैंड वाइफ और बच्चा जा रहे हैं, और वो मूवी देखने जा रहे हैं, और उसके बाद मॉल में कुछ शॉपिंग करेंगे, तो उनके लिए वो खुशनुमा माहौल है, राइट? अभी छोटा सा ट्विस्ट, गाड़ी बाइक जो है उनकी स्लिप कर गई, और चौराहे पर हस्बैंड वाइफ और बच्चे तीनों गिर गए, और हस्बैंड को बहुत ज्यादा चोट लग गई पैर के अंदर। अब परिवार के लिए क्या स्थिति है? अभी एक सेकंड पहले ही ये बहुत बढ़िया मूड में थे सारे के सारे, लेकिन बाइक स्लिप होते ही अब माइंडसेट क्या हो गया? थोड़ा आज हम घर दर्दनाक से ही वाला क्यों हो निकले, गया। हाँ जी, एक दिन रह जाते, मैं मना भी कर रही थी, जबरदस्ती लेकर आ गए। अभी तक बड़ा खुशनुमा माहौल था, और अभी एकदम से स्थिति चेंज हो गई। अभी मुझे बताओ, जो उसके आसपास से गुजर रहे हैं लोग, उनके लिए वो क्या स्थिति है? पड़ा रहने भाई, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? पड़ा रहने भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन 5 मिनट बाद ही उसका भाई उधर से गुजर रहा है, अब क्या फर्क आया कहानी के अंदर? अब उसकी तो पूरी दुनिया वहां पर गिरी पड़ी थी। इसी सामने, इसी चौराहे पर सामने एक डॉक्टर ने क्लिनिक नया खोला है, जिसका इनॉग्रेशन आज ही हुआ है। ये डॉक्टर बड़ा खुश है, दुकान खुलते ही बोनी बहुत बढ़िया हो रही है। तो घटना तो एक ही है, लेकिन वो सबके प्रोस्पेक्टिव से अलग अलग है। अब ये जो प्रस्पेक्टिव है, अपने एरिया के लिए बनाना, अपने कस्टमर्स के लिए बनाना, अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए बनाना, ये सब हमारे ही माइंडसेट का काम है। हम ही अपने माइंड के अंदर कोई ना कोई एक स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमें लग रहा है कि ये ऐसा ही है। और अगर मेरे को इस स्थिति से बाहर निकलना है, तो मेरे को बाहर निकलने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं। सुनील भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक कप चाय आपको दे रहा हूं, और ये चाय पीते ही आपका जो है, ये प्रॉब्लम जो आपने मेरे को बताई, ये रिजोल्व हो जाएगी, आप चाय पीना पसंद करेंगे? पसंद तो करूंगा, लेकिन साथ साथ मेरा माइंड चल रहा है, चाय से कैसे सॉल्व होगी? वो माइंडसेट करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट, हर इंसान का माइंडसेट अलग अलग प्रोस्पेक्टिव निकालता है। जी मेरा सवाल है, आप पीना पसंद करेंगे? हाँ, पसंद करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। और जैसे ही आप उसको अपने होठों के पास लेकर आने चाहते हैं, मैं अचानक कहता हूं कि यार सुनील, एक मिनट रुकना है, इसके अंदर जहर है। हाँ, नहीं, फिर नहीं पीना पसंद करेंगे। तो अब आपकी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई।
अब तो आपको जहर से, अब तो आपको लग रहा है कि यार मैं तो बच गया, यही बहुत है। बच्ची। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है सर। राइट तो हाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हमारी जो है ना स्थिति चेंज हो जाती है। जी सर, ऐसे ही एक आप अगर आज्ञा दे तो एक शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। एक आदमी पेड़ के पास धूप में खड़ा था, ऊपर से कोई बंदा उसको देख रहा था, उसने कहा यार ये बंदा धूप में खड़ा है, तो दूर से उन्हें इशारा किया कि पानी पियोगे, उन्हें इशारा कर दिया भाई प्यास तो लगी थी, उन्हें कहा हाँ पीऊंगा, ये अंदर चला गया और आया नहीं कुछ देर तक। इसने कहा जब पानी देना ही नहीं था तो पूछा क्यों भाई, ना पूछता मैं तो खड़ा ही था ना, एक तो मेरे को इच्छा जगा दी पानी पीने की, लेकिन ये थोड़ी देर में आया, इसके हाथ में जग था और ठंडा शिकंजी बना के लाया, कह रहे यार आदमी तो बहुत बढ़िया है, मैंने तो पानी मांगा था तो नींबू की शिकंजी बना लाया। मतलब पल पल में हमारा माइंड चेंज होता है, आप समझ रहे हैं सर जी। जी, जी वो वही, ये लंबा एपिसोड है, वो क्या क्या करता रहा, ये क्या क्या सोचता रहा, पल पल बदलता रहा, पल पल सिचुएशन वही थी, सब कुछ वही था। अभी क्या होता है सर, हम कई चीजों को ना नेगेटिविटी से खुद जोड़ते हैं क्योंकि हम नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। मेरे साथ कई एपिसोड ऐसे होते हैं कि मैं उनको करता था ना, मैंने कहा सुनील तूने ये किया है इसलिए तेरे साथ ये हो रहा है, अभी तो मैं वो कर भी नहीं रहा, वो तब भी हो रहे हैं। तो अब मैं उस सिचुएशन से बाहर आ रहा था, मैंने कहा ये मेरी ही सोच थी, ऐसा हो रहा था क्योंकि मैं कर रहा था, अब मैं नहीं कर रहा वो तो तब भी हो रहा है। तो एक मुझे दीपक भाई की एक बात याद आती है कि सिचुएशन कोई सही या गलत नहीं होती, सिचुएशन सिचुएशन होती है, सही या गलत उसको हम नाम देते यस। हैं। तो अब जो ये बात आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए बताई कि 5 किलोमीटर के एरिया में लोग मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, तो ये माइंडसेट है और कुछ नहीं, राइट। तो हमें अपने माइंडसेट को जिस तरीके से भी काम में लेना है हम उसको काम में लें, अपने माइंडसेट के साथ ही काम करें, क्योंकि तो खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अगर खुद के पाप पर काम नहीं करेंगे तो देखो दोस्तों, दो ही तरीके से लाइफ डिजाइन की जाती है, एक है डिफॉल्ट फ्यूचर और एक है डिजाइंड फ्यूचर। डिफॉल्ट फ्यूचर से तो आप चल ही रहे हो, जो डिफॉल्ट में है वो होके रहेगा। आप सुबह उठो, आप कुछ भी प्लान मत करो, तब भी आपका पूरा दिन निकल जाएगा। और आप प्लान कर लो कि यार मैंने आज ये काम करने हैं, और आपने 4 काम कर लिए, आप चारों को टिक कर लोगे, आपको खुशी का अंदाजा ही नहीं रहेगा। अब ये 4 काम क्या हो सकते हैं, ये काम ये भी हो सकता है कि आज मैंने सुबह 9 बजे नाश्ता करना है, एफपीआरटी का सेशन खत्म होने के बाद। आज मैंने 11 बजे चाय पीनी है, आज मैंने 1:30 बजे लंच करना है, आज मैंने 4 बजे समोसा खाना है, आज मैंने 7 बजे डिनर करना है। आपने 6 काम लिख लिए और ये 6 काम आज आपके होने ही होने, तो क्या शुरुआत हम इस चीज से नहीं कर सकते कि इसी को हम डिजाइन बना लें कि यार ये काम तो होने, कम से कम मेरे को ये तो लगेगा कि ये काम मेरा हुआ, ये काम मेरा हुआ, ये काम मेरा हुआ, ये काम मेरा हुआ, ये काम मेरा हुआ। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दिमाग में चल तो यही रहा है कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ। मेरे को प्रोस्पेक्ट भी नहीं मिल रहे, जो मिल रहे हैं वो मेरे से हाँ नहीं कर रहे, जो हाँ कर रहे हैं जो वो चेक नहीं दे रहे, और जो चेक दे रहे हैं उनका मेडिकल नहीं हो रहा, जिनका मेडिकल हो गया वो केस पास होके नहीं आ रहा, जिनका पास हो गया उनकी कमीशन नहीं आ रही, जिसकी कमीशन आ गई उसके कस्टमर ने मांग ली। और कब तक इस सर्कल में फंसे रहोगे, कब तक? इस सर्कल से तो हमें खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, आपको डिजाइन करना पड़ेगा अपना फ्यूचर। और इस डिजाइन करने के लिए कम से कम 90 दिन आपको लगातार कोई एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे ट्रेनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसी के साथ भी ये चीज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 90 दिन आप उनके साथ प्रैक्टिस करें, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करें। अदरवाइज ये डिफॉल्ट फ्यूचर में बना हुआ है। अब मुझे बताओ, 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, उसके अंदर से सिर्फ 16 हजार एजेंट ही एमडीआरटी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद इस 16 हजार में से 10 हजार लोगों ने डिसाइड किया था, इसलिए हो रहा है, 6 हजार लोगों का डिफॉल्ट हो रहा है और बाकी लोगों का तो हो ही नहीं रहा। बाकी लोगों का तो मैं बहाना सुन के बड़ा मजा आता है, सर 50 हजार प्रीमियम रह गया बस एमडीआरटी हो जाती, 50 हजार की कमीशन रह गई, नहीं तो एमडीआरटी हो जाती।
एक्चुअल में 31 दिसंबर को तो डिसीजन डिक्लेयर होता है, लेकिन जो बंदा नहीं करना है या जिसने हार मान ली या जो हार चुका है या जिसका रिजल्ट नहीं आया है, जिसको अपना मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, उसका तो 1 जनवरी को ही डिसाइड हो चुका कि वो इस साल करेगा या नहीं करेगा। अगर मेरे को कोई चीज चाहिए, एक एमआर जब डॉक्टर के पास पहुंच सकता है, तो मैं अपना एक पर्टिकुलर लिस्ट क्यों नहीं बना सकता? क्या दिल्ली में एडवोकेट नहीं रहते? हम एडवोकेट के पास जा सकते हैं? क्या इंजीनियर्स नहीं रहते? न्यूज़पेपर मीडिया वाले नहीं रहते? आप बताओ कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हो सकते हैं? सभी लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम दो दो प्रोफेशन चैट बॉक्स में लिखें, ताकि सभी को हम ये शेयर कर सकें कि इतने प्रोफेशन हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं वो लिस्ट लेकर के आप निकलिए, रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर्स, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अभी घर से बाहर निकल के अचानक ये तो नहीं दिमाग में आया ना, अगर मैंने घर में टीचर्स की लिस्ट बनाई है तो अब मैं जो भी ढूंढूंगा टीचर ही ढूंढूंगा ना, जिससे भी बात करूंगा टीचर के बारे में ही बात करूंगा ना। यार मुझे कोई टीचर बता दो, यार मेरे को कोई ऐसे बंदे से मिलवा दो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, शॉपकीपर, यार ऐसे दोस्त से मिलवा दो जो शॉपकीपर हो, आर्किटेक्ट, बिजनेसमैन, और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बताएं, बी फास्ट, गैरेजेस, आप बताओ, हर हर नुक्कड़ पे गैरेज है, कंपनी सेक्रेटरिएट, और अगर आप कहोगे तो ये सारी लिस्ट जो आप लोगों ने नाम लिख के दिए, केमिस्ट हैं, आप बताओ एक एक एरिया में कितने केमिस्ट हैं? सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान खुली हुई है कुछ एरियाज के अंदर, और नहीं तो सुबह 9 बजे तो खुली जाएगी, रात को 11 बजे तक तो केमिस्ट की दुकान खुली हुई है, सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक। ज्वेलर्स, और अभी अभी का किस्सा है सर, मैं अपनी भांजी के साथ एक ज्वेलर शॉप पे गया था। सैलून, हैं अशोक सर, जी अभी मैं अपनी भांजी के साथ एक ज्वेलर शॉप पे गया था, तो वो मेरे को कहती है उतना सोना देख के, कह रहे हैं मामा इतनी ज्वेलरी है इनके पास, इतना सोना है, इनको रात को नींद कैसे आती होगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर इसका एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। उन्होंने कहा हमें नींद क्या करनी है, नींद तो इंश्योरेंस कंपनी को दिक्कत होनी चाहिए, हमने तो अपना बीमा लिया हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे इतना, कहता नींद उड़ेगी तो उनकी उड़ेगी, हमें तो अपना जो आधा परसेंट जो भी देना है हमने दे के अपना काम खत्म कर दिया, अब बस नींद आना ना आना उनका काम है, हमारा काम नहीं है ये। राइट। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ, सुनील भाई किसी को शेयरिंग के लिए अलाउ करो जरा, हाँ तो बिजेंदर हुड्डा अपनी जी को लेते पर्सपेक्टिव हैं। और निकालते हैं। बिजेंदर हुड्डा जी, हाँ अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार हुड्डा जी, नमस्कार, क्या हाल चाल? डॉक्टर नमस्कार साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब एक बार, एक सेकंड, मतलब 10 सेकंड लगेंगे आपको, अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख लो जरा। जी देख लिया क्या जी क्या पहना हुआ है? कोई सर, अभी शूज नहीं पहने हैं बात नहीं, क्या क्या पहना हुआ है वो बता दो, जो सर, नहीं पहना पैंट वो मत शर्ट। बताना। जी, सर मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हूँ पूजा करके, बस अब शूज पहन के ये मीटिंग खत्म होगी तो प्रोस्पेक्टस आ जाना सर, मीटिंग में चले जाना है। यस मतलब आपने शर्ट पहनी हुई है, सर, पैंट पहनी हुई है, आई एम रेडी सर। यस राइट, आपने अंडरवियर बनियान भी पहना हुआ है, यस सर, यस सर, राइट, आपने शर्ट में कुछ रखा हुआ है जेब सर में? पॉकेट में सामान है सर। हाँ, पॉकेट में क्या क्या सामान है? अब सर सारा तो याद नहीं है, बाकी एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, लाइसेंस है, पेन है, कुछ मनी भी है। राइट,
अभी सिर्फ देखो अभी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग हमने को ढूंढनी है। जी, ये शर्ट आपने कहाँ से ली डॉक्टर साहब? कैंटाबिल ये सर मेरे कैंटाबिल से। से, राइट। तो आज जैसे ही आप अपनी लिस्ट तैयार करेंगे तो उसमें लिखेंगे कैंटाबिल। पैंट जी, कहाँ से लिया आपने? पैंट सर पेंट भी वही से कैंटाबिल से ही भी कैंटाबिल से। शूज कहाँ से लिए? सर। शूज लिए रेड टेप से, रेड टेप से। बेल्ट कहाँ से ली? रुमाल रेड टेप से कहाँ से लिया? सर। ये रुमाल एक दोस्त के रेडीमेड की गारमेंट्स की दुकान थी उससे लिया, राइट। अंडरवियर बनियान कहाँ से लिए? दोस्त से रेडीमेड वाले से, लवली गारमेंट्स। जेब में जितना सामान है, जो पेन है, विजिटिंग कार्ड है और एटीएम कार्ड है, ये कहाँ से लिए? सर कुछ बैंक से, कुछ प्रिंटर से, कुछ स्टेशनरी वाले से। राइट। तो ये सारे के सारे, अभी तो सिर्फ मैं एक विजेंद्र जी हुड्डा जी को देख रहा हूँ। अभी विजेंद्र हुड्डा जी से अगर मैं कहूँ कि एक बार जरा बच्चों पे नजर मार के देखो, उस उन्होंने क्या क्या ले रखा है, जी 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 और ये सारी चीज हम ही दिलवा रहे हैं ना, जी और तो कोई नहीं दिलवा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बार नजर मारें जरा बच्चों के ऊपर, बच्चों की ड्रेस कहाँ से आई, पार्टी वाली ड्रेस कहाँ से आई, घर पे पहनने वाली ड्रेस कहाँ से आई, उनकी स्कूल की ड्रेस कहाँ से आई, स्कूल का बैग कहाँ से आया, स्कूल की बुक्स कहाँ से आई, उनके शूज कहाँ से आए, उनके दूसरे शूज कहाँ से आए, उनके खेलने वाले शूज कहाँ से आए, वो नाश्ते में क्या खाते हैं, कहाँ घर में कितनी से आ रहा आइटमें है। हैं सर, कहाँ से हाँ आई? घर में आइटमें, हाँ जी घर की आइटमें, हमारा फर्नीचर कहाँ से आता है, हमारा सर, बाकी मैं चीजें कह रहा कहाँ? हूं अपने आप को, जो अभी 5 किलोमीटर की बात हो रही थी ना, मैं कह रहा हूं 5 मीटर भी छोड़ दो, 3 मीटर की दूरी की बात कर रहा हूं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। एक बार नजर मार लो और घर में सामान देख लो क्या क्या रखा हुआ है, और जिस जिस से लेकर आया हो एक एक बार इनसे मिल लो। इस साल की एमडीआरटी तो इससे ही हो जाएगी, प्लीज। डॉक्टर साहब मैं एक शेयरिंग करना चाहूंगा छोटी सी, ये अलाउ करे तो। अरे अभी आपने जस्ट कहा था ना कि अपना दायरा, सर आज से करीब 10 साल पहले की बात है, मैं एक कोर्स में गया था दीपक जोशी सर के कोर्स में, जी तो उन्होंने क्वेश्चन किया सबसे कि भाई कहाँ रहते हो? किसने कहा वहां पे, वहां पे, वहां पे मिलनसार में, जो पश्चिम बिहार में जहाँ भी, तो बोला वहां पे शमशान घाट है या लोग रहते हैं? जी लोग रहते हैं। फिर तुम स्टार एजेंट क्यों बन रहे हो? राइट। सुबह इससे गुड़गांव, शाम को नोएडा, ग्रेटर नोएडा है? तो सर मैंने आज, मैं सबके सामने कह रहा हूं, तो मैंने कान पकड़ लिया था कि मैं 20 किलोमीटर से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बहुत बढ़िया, सर उस दिन से मेरा सर्विसिंग का भी पार्ट इजी हो गया, मेरा एक्सपेंस भी कम हो गया, और मैं सर्विस भी अच्छी दे पा रहा हूँ, और सर आप सबकी ब्लेसिंग से, सर की ब्लेसिंग से मैं श्योरिटी कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया औड्डा जी, बहुत बढ़िया। ऐसे परमात्मा आपको नए नए आइडियाज देते रहें और उन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट करें। एक्चुअली आइडियाज तो सर बहुत सारे मैं हैं। थैंक आपसे लेकर के एफपीआरटी से लेके इंप्लीमेंट कर रहा हूँ सर, सो यू, थैंक थैंक यू यू, एफपीआरटी। जी थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों रही बात हमारे को अपने प्रोस्पेक्टिंग की, तो प्रोस्पेक्टिंग तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग की तो कतई कमी है ही नहीं। अभी जो हुडा जी ने बात कही कि जिस एरिया में भी हम रह रहे हैं वहाँ पे शमशान घाट है या लोग रह रहे, तो चारों तरफ तो शमशान नहीं है ना, और अगर शमशान भी है तो शमशान में चले जाओ यार, वहां पर भी आपको हर आधे घंटे बाद बंदा आता हुआ नजर आएगा, और एक के साथ 25 और आएंगे। इसमें किसी को दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूं अपना टेस्ट खुद डिसाइड कर लो ना, मेरे को करना क्या है, अपना डिसाइड खुद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रही बात पोस्टपोनमेंट की, कि कस्टमर बहुत ज्यादा पोस्टपोनमेंट करता है, बहुत ज्यादा पोस्टपोनमेंट करता है। पोस्टपोनमेंट तो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास गिनती के प्रोस्पेक्ट है, इसलिए हमारे को उनकी पोस्टपोनमेंट जो है बुरी लग रही है। नहीं तो अगर मेरे को कोई बंदा ये बोल दे कि मैं दिसंबर में कराऊंगा, मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है उससे दिसंबर से पहले बात करने की, अगर मेरे पास ग्राहक हो रहे हैं तो भाई एक बार दिसंबर में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो ये कह दे दिसंबर 2028 में बात करना, तब भी क्या दिक्कत है? समस्या तो ये है कि हमारे पास वो ले दे के दो तो थे, एक ने दिसंबर बोल दिया,
एक ने जुलाई बोल दिया, वो समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाए। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग तो हमारे आसपास ही घूम रही है, और दो तरीके से हम लोग बिजनेस को करते हैं। पहला हमारा काम करने का तरीका होता है कि नीड एनालिसिस करके करें, और जो कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से हम उसको बिजनेस दें। और इससे जो ऊपर की कैटेगरी के लोग होते हैं वो नीड देखते ही नहीं है, वो नीड देखते ही नहीं है, वो नीड क्रिएट कर देते हैं। वो ऐसी नीड क्रिएट करते हैं कि आदमी कहता है अभी चाहिए, वही बात खत्म हो जाती है। अब इन दोनों में से भी जो आपको ऑप्शन चूज करना है वो चूज कर लो। एक मिनट मैं अपने राजेश भाई वो शेयरिंग करता हूँ जरा पीपीटी। देख रहे हैं भाई, देख पा रहे हैं आप लोग? यस आज कितने लोगों को लगा कि आज कोई जोर का झटका धीरे से लगाए? चैट बॉक्स में लिखें प्लीज। दूसरा, आज मैं आप लोगों से दोस्तों बड़े ही विनम्र शब्दों में दो बातें कहना चाहता हूं। आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरे घर में मेहमान आते हैं तो मैं तो छोले कुलचे खा रहा हूं और उसको बोल रहा हूं तो शाही पनीर खा ले, कोफ्ता खा ले, तो वो क्या कहेगा? आप भी खा लो भाई साहब, या वो अकेले खा लेगा वो चीज जो मैं नहीं खा रहा? हाँ ना, हाँ या ना में जवाब दें। जो मैं नहीं खा रहा और मैं सिर्फ उससे कह रहा हूं कि आप खा लो, आप तो मिठाई खा लो, मेरे को तो शुगर है मैं नहीं खाऊंगा। आप शाही पनीर खा लो, आप कढ़ाई पनीर खा लो, आप कोफ्ता खा लो, आप मोजीतो पी लो, मैं तो सादा पानी पीऊंगा। कितने लोग इस चीज से सहमत हैं कि वो आदमी वो चीज खा लेगा जो मैं नहीं खा रहा, या वो चीज पी लेगा जो मैं नहीं पी रहा? प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स। बताइए बताइए, जो मैं खा रहा हूं वही मैं सामने वाले को खिलाऊंगा तो वो आराम से खा लेगा, या जो मैं नहीं खा रहा हूं वो सामने वाला खिलाएगा, मतलब सामने वाले को खिलाएंगे तो वो खा लेगा? चैट बॉक्स में आप लोगों की फिंगर फास्ट टेस्ट लेना पड़ेगा लगता है। टेस्ट चैट बॉक्स में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी वो खाएगा वो हमें भी खाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, हम उसको तो इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं बड़ी से बड़ी, हमने कितनी बड़ी पॉलिसी ली है? अपने अपने किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा हाथ उठाएं, अपने दिल पे रखें और खुद से ये बात करें कि मैंने कितनी बड़ी पॉलिसी ले रखी है। आप एवरेज देख लेना दोस्तों, जो आपकी मैक्सिमम पॉलिसी होगी आपका मैक्सिमम प्रीमियम भी उसी के आसपास घूम रहा होगा, 20-25% ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला दे दिया मैंने आपको, अगर इस फार्मूले पे भी काम कर लिया तो आप सबसे पहले अपना प्रपोजल निकालो और उसके बाद देखो आपका काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। अब आखिरी के 5 मिनट रह गए हैं, मैं चाहता हूं कि बस ये हमारा एक सेशन है जो 27 जुलाई की कालरा जी आप 10 मिनट और लो सर, प्लीज डिमांड आ रही है कि 10 मिनट और डिमांड आ रही है, आप तो एक काम करते हैं क्वेश्चन आंसर जी। ले लेते हैं। सवालों में बहुत सारी चीजें निकलेंगी, अभी भी किसी के सवाल हैं तो वो सवाल ले सकते हैं।
ठीक है पुनीत सर, जी, आप ये पीपीटी बंद करो, फिर सवाल लेते हैं सर। जी सवाल शुरू हो गए पुनीत जी के। हाँ, ये पीपीटी हटानी पड़ेगी ना सर, तभी तो मजा आएगा सर। अच्छा, IIT गुरु अशोक कालरा जी। अच्छा, ओके। एक्चुअली किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे के सेशन के अंदर पूरी चीज़ दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि मैं मैक्सिमम देने की कोशिश करूं, जी और ये लिस्ट जैसे ही हमारे पास तैयार हो जाएगी हम लिस्ट ग्रुप के अंदर FPRT मेंबर्स के लिए शेयर भी कर देंगे, जो हमने अभी चैट बॉक्स के अंदर सभी लोगों से लिखवाई है। जी सुनिए। पुनीत, हाँ पुनीत सर, सर मेरा एक सबसे बड़ा आपने जो काम सर बिल्कुल ठीक करा। फर्स्ट ऑफ थैंक यू सर हमें एनलाइटन करने के लिए। सर जो आपने कहा ना कि अपना प्रपोजल डालो पहले, तो ये बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है। अगर सपोज के अपना डालते हो, आप लोगों से मिल रहे हो, नहीं हो रहा, जब आप अपना डालोगे ना, प्रपोजल डालोगे, लोगों से मिलोगे, तो चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है काम करने में। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पुनीत जी, थैंक यू वेरी मच। हम तो पिछले 30 साल से यही काम करते हुए आ रहे हैं। भैया जैसे कि मैं कहता हूं कि जैसे कि लास्ट ईयर जैसे कि हम मैं बात लोगों से कर रहा था, 1 लाख रुपए मंथली, 1 लाख रुपए मंथली आप प्रीमियम दो, मैं कौन देगा कौन देगा, मेरा नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने अतुल भैया को फोन करा, मैं अतुल भैया कैसे करें, क्या तूने अपना कितना डाला है, मैं तो डाला नहीं अभी, मैंने अभी अपना, क्या तू पहले अपना डाल। तो अतुल भैया की मैंने बात सुनी, मैंने अपना प्रपोजल डाला सर। सबसे लास्ट जो प्रपोजल अप्रूव हुआ ना ड्यू टू फाइनेंस कंस्ट्रेंट मेरा, वो लास्ट टू लास्ट में 31 मार्च के बाद अराउंड 8 9 9 10 अप्रैल को मेरा प्रपोजल पास हुआ मेरा। लेकिन डालने के बाद ना जो बात करने का तरीका था, मतलब टोटली चेंज हो गया। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ, इट वाज टोटली चेंज। ठीक है, अपना डाला, लोगों से बात कर रहे हैं, तो इट वाज जिसको टोटली बोलते हैं डिफरेंट। इंटरनल केमिकल लोचा, ये अंदर ही अंदर कुछ होता है, जिसमें मूवी आई थी ना कुछ कुछ होता है, वो कुछ कुछ क्या होता है वो उसी को पता होता है जिसके साथ होता है। जिसको हम अगर मैं संगीत की भाषा में कहूँ तो इतना ही कह सकता हूँ, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो। जी किसी और का कोई सवाल? जो भाई पोस्टपोनमेंट के लिए आज ये क्लास थी, जैसे लोग पोस्टपोन बहुत करते हैं लोगों को पोस्टपोनमेंट हमें। में तो हाँ सुनील भाई देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने जैसा बताया कि नीड एनालिसिस करेंगे हम, हाँ और दूसरा तरीका है कि नीड क्रिएट करेंगे हम। जी अब या तो हमारी नीड एनालिसिस में कहीं पर कमी आ रही है जिसकी वजह से वो पोस्टपोनमेंट कर रहा है, या नीड क्रिएशन में कोई कमी आ रही है जिसकी वजह से वो पोस्टपोनमेंट कर रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो आदमी वो चीज भी खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं है, तो जिस चीज की जरूरत है वो क्यों नहीं खरीदेगा? इसका अलावा हम कहीं ना कहीं उसको जरूरत एस्टेब्लिश करने में कमी रह रही है, या हम क्लोज करने के लिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, हम उसको शायद उतना टाइम नहीं दे पा रहे। दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि नीड के ऊपर हमारे को दोनों चीजें देखनी चाहिए कि नीड एनालिसिस प्रॉपरली हो, और अगर नीड एनालिसिस प्रॉपरली हो गए तो नीड क्रिएट भी की जाए। अभी रिसेंटली परसों की बात है, एक मेरा 1.5 करोड़ प्रीमियम था, हालांकि सिंगल ही प्रीमियम था, आ रहा था। तो हम तो वहीं खड़े खड़े सारा कुछ जोड़ लेते हैं, कंपटीशन भी जोड़ लेते हैं, सब चीज जोड़ लेते हैं, और एक ही दिन का कंपटीशन निकालती है LIC। मैं उसको कह रहा दे तू चेक, कह रहे यार सुनील भाई आप एक बार मेरे तो पैर में पैर रख के देख लो, 1.5 करोड़ किसके पास पड़ा होता है, आपको क्या लगता है कोई सेविंग अकाउंट में रखता है पैसा? अब मुझे 2 दिन 4 दिन महीना 15 दिन कुछ तो दो अरेंज करने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि ये घर जाके पापा से बात करेगा, मम्मी से करेगा, किसी दोस्तों से करेगा, चार से ये मना कर देगा। और वही अगले दिन मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा, कह रहे पापा कह रहे हैं ये पॉलिसी बेकार पॉलिसी है, कहाँ तू 6% पे पैसा लगा रहा, इससे बढ़िया तो प्रॉपर्टी ले ले, इससे बढ़िया तो ये ले ले, इससे बढ़िया यू कर ले। राइट,
अभी अगर सुनील भाई इसकी जगह पर आप ये दो चीजें करते कि एक तो आप अपनी पासबुक दिखाते, अपनी बैंक स्टेटमेंट कि देख मेरे जी अकाउंट में पड़ा हुआ है, हाँ पहली चीज। दूसरी चीज आप ये दिखाते हैं कि देख इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन दोनों चीजों का क्या इम्पैक्ट होता। पहले सवाल का जवाब भी उसे मिल जाता कि इतने पैसे कौन रखता है बैंक में, तो सुनील भाई रखते हैं, राइट। जी और दूसरा जवाब भी मिल जाता कि देख इन्वेस्ट भी करे हुए इतने परसेंट के अंदर। और उससे फिर ये भी पूछा जा सकता है क्या मैं तुझे बेवकूफ लग रहा हूँ, क्योंकि जी तो मैंने पैसे रखे भी हुए हैं, मैंने इन्वेस्ट भी करे हुए। तो ये सब चीजें एक्चुअली तुरंत के तुरंत हो जानी चाहिए, उसी समय पे हो जानी चाहिए। ये जो चीजें हैं और ये जो आपके माइंड में चल रहा है ना कि वो अपने पापा से पूछेगा, अपने भाई से पूछेगा, अपनी वाइफ से पूछेगा, ये जाने अनजाने एक मिथ्स हैं। ये सारे मिथ्स को छोड़ दीजो, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी मिथ के साथ रहें। आप सिंपल, आपका काम है इंश्योरेंस समझाना, उसका काम है लेना या ना लेना, उसके पास दो ऑप्शन है। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन नहीं है कि समझाऊं या ना समझाऊं, बहुत ही आप बढ़िया, एक ही ऑप्शन है। बहुत ही ग्रेट सर, ग्रेट। नेक्स्ट अतुल जी जी का अतुल हैंड भाई, रेज है। पहले बारी अमित पालीवाल जी को लेते हैं। अमित पालीवाल जी का भी रेंज है, जी अमित पहले भाई, उनको अमित लेते हैं भाई फिर मैं। हाँ अमित भाई को लेते पहले। प्लीज, अमित जी सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। और मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने कहा ना कि खुद प्रोडक्ट लो और उस प्रोडक्ट की कॉपी क्लाइंट को दिखाओ, और मैं यही फॉलो करता हूँ कि मेरी जो सम एश्योर्ड वाली पॉलिसियां हैं मैं अपने क्लाइंट से शेयर करता हूँ, और म्यूचुअल फंड का काम ज्यादा करता हूँ तो अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्लाइंट से शेयर करता हूँ, और जब मैं क्लाइंट से मिलने जाता हूँ उससे पहले अपने पोर्टफोलियो की कॉपी भेज देता हूँ, और जब वो मेरे पोर्टफोलियो की कॉपी देखते हैं क्लाइंट लोग, यार ये बंदा 1 करोड़ लगा के बैठा है, तो फिर उनकी एक तो बात करने का टोन बदल जाता है, और जो प्रीमियम वो 5 हजार 10 हजार सोच रहे होते हैं वो बढ़ करके 50 हजार और 1 लाख में चला जाता है। मैं बस बिल्कुल, यही शेयर करना चाहता था, और ये मैंने यहीं से सीखा है। थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड शेयरिंग। और ये सभी के लोगों के लिए काम आएगी कि लाइव एग्जांपल भी साथ में है हमारे साथ, जो ये चीजें कर रहे हैं उनके रिजल्ट भी उनको मिल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू अमित जी। और किसी का कोई सवाल या कोई शेयरिंग, नहीं तो फिर लास्ट में हमारे साथ अतुल भाई हैं। जी अतुल भाई, हाँ बस मैं ये कह रहा था कि अभी जो सुनील भाई ने जो डिस्कशन करा ना, ऐसा मेरे पे, मेरा भी अभी पिछले दिनों एक डिस्कशन चल रहा था, तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही बात चल रही थी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। मैंने सिर्फ उनसे इतना से ही पूछा, मैंने कहा सर एक बार ना मुझे आप भी बताना कि प्रॉपर्टी में आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे रेंट कितना मिलेगा आपको, यदि कोई प्रॉपर्टी लोगे तो। मतलब मैंने कहा 20, मैंने मेरे वो बोल नहीं पा रहे थे, मैंने कहा बोल ही देते ना, अपना टाइम भी बचेगा और काम भी होगा ज्यादा ज्यादा। वो ये हाँ कहेगा ना नहीं इतना नहीं इतना, बस इतना ही तो हाँ रहेगी। ठीक ठीक मैं बात कहा है। सर, हाँ मैं कहा सर देखो आप ना यदि आप चेक कर लेना, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी चेक कर रखा है कि आपको 15,000 से 20,000 रुपये से ऊपर गारंटी नहीं मिलेगा 1 करोड़ के ऊपर। और मैं आपको, आपकी, आपको और आप भाभी जी को ना जिंदगी भर, ना जिंदगी भर के लिए 50,000 रुपये देने को तैयार हूँ, ठीक है। जब तक आप और भाभी जी सर्वाइव करेंगे ना, 50,000 रुपये कोई, और मैंने कहा हर महीने उनके अकाउंट में आएगा और कोई किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। मैं कहा रेंट आप मुझे देखना, जो लोग रेंट पे काम कराते हैं ना, पहले आप चेक तो करो कि रेंट कितने के साल में कितने दिन का आता है। ये हमने गोमिना सर से सीखा था कि 10 साल की यदि आप एवरेज लगाते हो ना, तो 10 साल में 7 साल का रेंट आता है, 3 साल का रेंट आता ही नहीं है। आता मतलब आता है इन द सेंस कि मेंटेनेंस में चला जाता है, वो प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन में चला जाता है, या वो कुछ टाइम में खाली रहता है वो उस तरीके से। तो 10 साल के अंदर 7 साल का रेंट आता है। तो बाकी वो एप्रिसिएशन की बात करने लगा कि एप्रिसिएशन भी होती है प्रॉपर्टी में। तो बेटा सर आप एक बार अपने जितने भी आपके खास जानकार है ना, उनसे बात करना कि जिन्होंने प्रॉपर्टी, मैं कहा मैं ये बिल्कुल आपको डिसएग्री नहीं कर रहा कि आज के दिन जितने भी लोग अमीर हुए हैं ना, वो शायद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से नहीं हुए, वो लोग अमीर हुए हैं प्रॉपर्टी से, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है। तो लेकिन सबके साथ आप एक ही फार्मूला नहीं चला सकते ना। आप होशियार आदमी हो सर, आपका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ना एक का चार कर लोगे, लेकिन कल खुदा ना खास्ता आप नहीं रहेंगे, भाभी जी के अंदर भी उतनी कैपेसिटी है कि जो आप कर सकते हो वो कर पाएंगी। बहुत आप बढ़िया, उनको तो जिंदगी, आप तो उनकी अपनी उनकी जिंदगी में तो उनके पास हर हर एक तारीख को उनके अकाउंट में 50,000 रुपए, ऐसा काम करने में आपको क्या तकलीफ है। आपके पास बहुत पैसा है ना, बाकियों की प्रॉपर्टी लेते रहो, आपको मना थोड़ी ना करा किसी ने कि प्रॉपर्टी नहीं लेनी अपने। लेकिन 1 करोड़ तो भाभी जी के नाम से कर दो, उनसे कि उनकी लाइफ सुकून रहे। तो
डिस्कशन देखो ऐसा होता है हमारे पास ना, यदि हमें अपनी बात को कहना है ये कोई गारंटी नहीं है। ये आपने कहा ना कि भाई आपका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ या ना, उसके पास हाँ ना करने की ऑप्शन है, हमारे पास तो सिर्फ उसको कन्विंस करने की ऑप्शन, ठीक है, यस हमें कन्विंस करना है बस, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया। एस के नायक जी ने रेज हैंड किया शायद। नमस्कार सभी को, जय जगन्नाथ। और भैया रथ यात्रा की शुभकामनाएं सभी को। अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा है, वो सभी से मिलने के लिए बाहर आए हुए। जब तक वापस जाएंगे तब तक तो रहेंगे बड़दान के अंदर। और मैं सबसे पहले जितना बोलूं उतना कम है, जैसे अतुल भाई बोल रहे थे और कालरा सर तो है ही है। मेरा लास्ट जो मार्च में एक पॉलिसी क्लोज हुआ था जिसका प्रीमियम 16 लाख रुपये, वो कालरा सर का भी वो हाथ रहा है उसमें, तो उसका 6 लाख रुपया। मैं जब उनके सीए बंदे बैठे होते, उन्होंने यही बात प्रॉपर्टी में आता, मैंने बोला बिल्कुल सही रिटर्न आता है। और मैंने ये बोला कि अगर आपको रिटर्न आता है ना, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि रिटर्न आना भी चाहिए। और ये दीपक भाई ने बोला जो पार्टी बोलेगा ना वो सही है, उसका पहले ये बोल देना चाहिए कि वो सही बोल रहा है। तो वो सीए भी बोल रहा है यार, ये इसे पॉलिसी भी ले रहा है और इसको सही भी बोल रहा है हर बात पे। मैंने सीए को पूछ लिया, मैंने सर अगर आपके पास 10 चीजें रखा जाएगा क्या 10ों का रिटर्न बराबर आता है? कह रहा नहीं आता है, नहीं आता है। मैंने बोला नहीं आता ना, मैंने गिनवा दिया, मैंने गोल्ड का, कह रहा वो सरकार के ऊपर है, मैंने प्रॉपर्टी का फिर कुछ बोला ही नहीं, मैंने वो भी सरकार के ऊपर, कह रहा कैसे? मैंने कोरोना काल में प्रॉपर्टी का रेट किसने डिसाइड किया? सर जो प्रॉपर्टी के पेपर पे लिखा हुआ है ना, रजिस्ट्री की वैल्यू क्या है, कैपिटल गारंटी क्या है? मैंने 2 बार जो बोला ना, तीसरी बात उसने कुछ बोला नहीं, बोला सर चेक दे दो इनको। मैं कैपिटल गारंटी के वो बात किया, मैंने सर जब क्लाइंट को बात करते हैं ना, जो हमारा बॉन्ड LIC का ना, वो कैपिटल गारंटी में आता है सर, हम उसको बैंक में मॉर्गेज दे देंगे ना, Day 1 में बैंक आपको 90% तक गारंटी दे सकता है, आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं देगा सर। और डिपेंड भी होता है, कोरोना काल में जब प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया उसका क्या हालत हुआ है सर। मैं तो बहुत छोटा हूँ सर, लोगों से सीखा हूँ और कालरा सर ने ये बात सिखाई है सर, और जितना बोलूँ उतना कम है सर। राजेश चेतन सर, कालरा सर, अतुल भाई और सुनील भाई, मैं सभी के लिए थैंक यू हीरो बन करिए। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट सर, ग्रेट। कालरा साहब आप कैसे कैसे बातों में बंदे को निकाल देते हो। एक किस्सा है, मेरे को ना लंच करते बाद नींद जरूर आती है, आधा घंटा मुझे चाहिए होता है सोने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ मेरा कोई पानीपत का केस आ गया, और मैंने ना कालरा जी को फोन लगाया। मैंने कहा कालरा जी अब मेरा सोने का टाइम है, ना कोई ड्राइवर है ना कोई साथ चलने वाला है। तो इन्होंने ऐसी बात बोली, उसके बाद तो मतलब ही नहीं नींद। मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके गया, उसके बाद से वो फंडा ही निकाल दिया, नींद आती है। अरे काहे की नींद, तुम कर रहे हो तो नींद आ रही है ना, नहीं चाहोगे तो नींद नहीं आएगी। ऐसे ऐसी चीजों से ये बंदे को निकाल देते हैं। माइंड के जबरदस्त ट्रेनर हैं कालरा साहब। कालरा साहब ग्रेट सर, आप बातों बातों में कैसे चीजें कर देते हो, वो हमारे भाई। लेकिन थैंक यू वेरी अच्छा मच। लगता है सर आप जब जब आते हो। और मैं चाहूंगा अतुल भाई क्लास और आगे करनी है क्या? कालरा भैया हमारे घर के हैं, उनको जब अगली बार फिर बुलाएंगे ना, क्यों सेशन जी मतलब ऑलरेडी, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो आगे हो सकता है कि आगे लोगों का टाइम हो कहीं ना कहीं जाने का ना, तो हमें समय की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जी कालरा जी को तो हम कई सालों तक सुनते हैं, तब भी बहुत थोड़ा रहेगा, अभी क्योंकि कालरा जी भी के ये का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैं आज FERT परिवार की तरफ से कालरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनसे पुनः निवेदन करता हूँ कि हम जल्दी फिर किसी एक नए नए झटके के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो झटके तो देने की आपको आदत है, चाहे बेशक LIC को देते हो, चाहे हमें देते हो, या अपने क्लाइंट्स को देते हो, देने का काम आपका है, झटके देने का। तो और आज का सेशन बहुत वंडरफुल रहा, छोटी छोटी बातों में सीखने को मिला कि भाई एक सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि क्लाइंट के पास हाँ या ना दोनों ऑप्शन है, आपके पास तो सिर्फ करने वाले ही ऑप्शन है, आपको जाना ही है, आपका दूसरी ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं जाने का कहीं पे। हमें अपने एफर्ट्स में हमेशा पूरी एनर्जी लगानी चाहिए, हमें अपने एफर्ट्स में कभी किसी, मैं एक बात मैं बहुत स्पेशल बोलना चाहता हूँ, सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी काम को करने लगे ना, तो उसमें उसको इस तरीके से करें कि ये काम हो चुका है, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट। यदि आपने कहा ना कि यार ये पता नहीं फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, आप यकीन मानना फोन उठेगा ही नहीं, कंफर्म नहीं उठेगा फोन, ठीक है। आप ये करो, भाई साहब ये बुला रहा है मुझे और मैं जा रहा हूं,
और बस आप तो ये सेल होनी होनी है, आप इस माइंड सेट से काम करो। गार्लर सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम बहुत सालों से मित्र हैं, और जब भी कभी हमें कहीं पे कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, स्पेशली क्लेम्स वगैरह के अंदर, तो लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स के अंदर उनकी मास्टरी है, तो हम चाहेंगे कभी हम एक सेशन सर्विसिंग के ऊपर अशोक काला सर से लेंगे, क्योंकि ना ये एक बड़ा ड्राई एरिया हर एलआईसी एजेंट का। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अगला सेशन जब भी हम काला सर की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि काला सर के लिए एक और बात बताना चाहता हूँ कि वो अपने ट्रेनिंग सेशंस भी चलाते हैं, कोई उनका भी इन्होंने बताया आज वो अपनी शेयरिंग कर रहे थे। तो काला जी एक मिनट के लिए बता दीजिए, आपका जो 31 तारीख वाला जो जो सेशन है वो क्या चीज है एक बार बता दीजिए, तो जिससे चलो कि जो भी लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनको वो बेनिफिट मिल सके। मैं बताया दोस्तों, ये 27 से 31 जुलाई के बीच में सुबह 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, 5 दिन का सेशन है। लेकिन इस 5 दिन के सेशन के अंदर हम ये सीख पाएंगे कि हमारे कस्टमर से हम किस तरीके से बात करें, और बातों बातों में जो भी हमारा टिकट साइज है वो डबल हो जाए। यानी आज मेरा टिकट साइज अगर 1 लाख रुपए का आराम से मैं ले लेता हूँ, तो वो 2 लाख रुपए का कैसे हो जाए, वो बड़े आराम से हो जाएगा। या मेरी नंबर ऑफ पॉलिसीज अगर जितनी भी होती हैं वो डबल हो जाएंगी, या जितनी भी चीज़ें हम कस्टमर से डिमांड चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके खुद ब खुद आएगी। और मजे की बात ये होगी कि 5वें दिन आप खुद बोलोगे कि कस्टमर बोल रहा है, ये वाली बात 5वें दिन कोर्स के आप ये बोलोगे कि कस्टमर खुद बोल रहा है कि मैं ये लेना चाहता हूँ। तो जो अभी तक आपकी दिक्कत थी कि यार कस्टमर ही पोस्टपोनमेंट कर रहा है, तो इस बार तो कस्टमर आपको बोलेगा फोन करके। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये 5 दिन अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट दे सकते। एपीआरटी वालों के लिए कुछ अनाउंसमेंट है तो कर दीजिए, एफपीआरटी वालों के लिए तो स्पेशल अनाउंसमेंट है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमेशा बताएं सर। देखिए, वैसे हम इसका जो है 2555 लेते हैं, लेकिन अपनी एफपीआरटी के लिए 1555 है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो आप मच अशोक भाई। अपना जी अकाउंट नंबर भी अगर शेयर कर दें तो यहीं पे जिसको अब ज्वाइन करना हो ऐसा है, बाद में, इनको इनका नंबर शेयर चैट बॉक्स में लिखो सुनील भाई जरा प्लीज। वो ऑलरेडी और लिखा लिखा ही हुआ है इस पे स्क्रीन के ऊपर। हाँ ठीक है, तो आप एक बार बोल भी दीजिए इसका इसका नाइन फोटो एट ले ले स्क्रीन का आप, और कालरा सर को डायरेक्ट ज्वाइन कर। ठीक है सर अतुल भाई, बहुत बहुत अब हाँ हाँ थैंक यू बहुत जो बहुत आप, बहुत धन्यवाद थैंक यू अशोक थैंक यू भाई। थैंक यू वेरी मच। मेरे परिवार के सभी सदस्य भले आज का रहे। सेशन बहुत अमेजिंग रहा। अब अगले अगला जब भी हम आपसे बात करेंगे, एक बार हम सर्विसिंग कॉल को जरूर देखना चाहेंगे कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और सर्विसिंग से कैसे हम नए उन्हीं अपनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कैसे हम नया काम निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में जब भी आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो मैं एपीआरटी परिवार की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो भी आपके अपने ड्रीम्स से वो पूरे हो, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, और आप ऐसे ही लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते रहे। थैंक यू सो मच काला भाई। बहुत बहुत आभार प्रभु का जो मेरे को ऐसे सभी मित्र मिले हैं, ऐसा परिवार मिला है जो मेरे लिए और सबके लिए बहुत मंगल कामना करता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। शुरू करूँ शांति पाठ? करो करो शांति पाठ करो। शुरू करो। हाँ करो।